जब ये बात पहले से 8 जून को पता थी रिया चक्रवर्ती को, तो इतने दिन वेट क्यों किया? अभी तक तो परिवार पर आप बैठकर रोज यही आरोप लगाते थे कि आपको पहले से शक क्यों नहीं हुआ? आपने 14 जून को, 15 जून को जो मुंबई पुलिस को बयान दिया उसमें क्यों नहीं आपने बोला? अब इतने दिन के बाद 8 जून को पता था, और ऑन रिकॉर्ड सतीश माने शिंदे मेरे साथ आज तक पर थे, उन्होंने मुझे कहा था कि 8 जून को लड़ाई हुई थी और इसी बात को लेकर लड़ाई हुई थी कि बहन जो दवा लिखकर भेज रही है वो मत खाओ। सुशांत ने कहा जो बहन कह रही है वही करूंगा, इसीलिए इतनी लड़ाई हुई कि उनको कहा तुम सामान लेके घर से निकलो, ये उन्होंने खुद कहा है। तो जब 8 जून को पता था तो अब इतने दिन, लगभग 80 दिन बीतने के बाद, सिर्फ काउंटर स्ट्रैटेजी नहीं है ये मिस्टर श्रीवास्तव, आज उनको समझ में आ रहा है? आपने और आपके चैनल ने तो अभी तक कंप्लेंट के बारे में देश को कुछ नहीं बताया, जो व्यूअर्स को आप एक साइड की इंफॉर्मेशन देती है। हमने अभी अभी ब्रेकिंग चलाई है, दिखाइए इनको एक बार फिर से, चाहिए ना हम आपको दिखाते हैं। आप जो है ना दवाएं लिखी है मिस्टर श्रीवास्तव, दोनों खबरें दिखाई है, इसलिए या तो आप जानकारी के साथ बोलिए, आधी अधूरी बात मत बोला कीजिए, ठीक है? अच्छा सुनिए, उसमें जो दो दवाएं लिखी है, जो लिब्रियम लिखी है और नेक्स्टम लिखी है, वो दोनों साइकोट्रॉपिक ड्रग्स है, और वो कार्डियोलॉजिस्ट जो दिल्ली से प्रिस्क्रिप्शन दे रहा है आरएमएल हॉस्पिटल से, डॉक्टर तरुण कुमार फिजिकली एग्जामिन करे बिना पेशेंट को, जिसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, एक कार्डियोलॉजिस्ट दवा लिख करके दे रहा है और वो उनकी बहन को खिला रही है, उसकी जांच होगी ना? कोई शक नजर नहीं आता, भी जांच होगी, जांच की तो बात है, उसकी भी जांच होगी मिस्टर श्रीवास्तव, उसकी भी जांच होगी, लिगेचर की भी जांच होगी, बिल्कुल की भी जांच होगी, वही कह रहा हूं मैं। सुनिए सतीश माने शिंदे, सतीश माने शिंदे की एक बाइक मैंने लगाई, जल्दी से उसको चलाई, सुनिए सुनिए एक बार, उज्जवल निकम साहब आप भी सुनिएगा। आपको जब 8 जून से ही पता था और आपको लग रहा था कि गलत दवा दे रही है, आपने इतने दिन इंतजार किया और अब जाके आप रिपोर्ट लिखवा रहे हैं, ये काउंटर स्ट्रैटेजी नहीं है तो क्या है? सुनिए सतीश माने शिंदे, उन्हें मालूम था, यही तो प्रॉब्लम है ना आपकी। सुनिए सुनिए मिस्टर श्रीवास्तव, रवि श्रीवास्तव सुनिए, सतीश माने शिंदे की बाइक चलाइए, सतीश माने शिंदे, रिया चक्रवर्ती के वकील ने मुझे क्या सुबह को रेहा और सुशांत के बीच में बहुत बातचीत हुई, क्योंकि रेहा ने देखा कि सुशांत के फोन पे बार बार उसके बहन की मैसेज आ रहे थे अपने मेडिसिन के बारे में, जो वो मेडिसिन ले रही थी उसका प्रिस्क्रिप्शन वो अपने भाई को भेज रही थी। तो रिया ने सुशांत को बोला कि आप ऐसे मेडिसिन ले नहीं सकती हो, क्योंकि जो मेडिसिन आपको दिया जा रहा है कोई डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन नहीं है। तो बाद में उसके बहन प्रियंका ने दिल्ली से मैसेज भेजा कि ये प्रिस्क्रिप्शन है, तो प्रिस्क्रिप्शन देखने के बाद पता चला रिया को कि ये प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर ने इनको विदाउट एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन न करते हुए उसको दिया था, इसीलिए इनके बारे में बातचीत हो गई। और उस टाइम रिया ने उसको बोला कि अगर बॉम्बे में हम डॉक्टर को मिलके आ चुके हैं और वो डॉक्टर्स आपके मेडिसिन दे रहे हैं सुशांत को जी, अगर आप वो नहीं ले रहे हो इसको नहीं लेना चाहिए। सुशांत ने बोला कि नहीं, अगर मेरी बहन बोल रही तो मैं वही लूंगा। उसके बाद उनकी थोड़ा वाद हुई तो सुशांत ने उसको बोला कि आप निकल जाओ बैग लेके। हेलेन राव साहब, पता 8 जून से ही था, इसी बात को लेकर लड़ाई हुई थी, इस नौबत ऐसी आई कि आर पार की लड़ाई हो जी। निकम साहब इस पर कुछ बोल रहे, पहले निकम साहब बोल लीजिए आप, निकम साहब पहले से जानकारी थी, काउंटर स्ट्रैटेजी नहीं है आप, ये हाइंडसाइट में जब आप घिर गए। अंजना जी, इस कॉन्वर्सेशन से दो बात साफ होती। हाँ, पहली बात, मुझे 8 जून को ही रिया को पता था कि सुशांत को ऐसे ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन किया जाएगा कि जो उसके लिए हानिकारक होगा। दूसरी बात, रिया को यह भी पता है कि ये प्रिस्क्रिप्शन, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ये दवाई दी जा रही है, ड्रग्स दिए जा रहे हैं, इसलिए उसका इनकार था।